हेलो गाइस, मेरा नाम सुशांत पाटिल है। मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ और मैं आज आपको ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इसके रिलेटेड मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसका ये एक हेड है। फिर इसे कहते हैं ऑक्यूलर आई लेंस, ठीक है, और इसे कहते हैं डॉप्लर एडजस्टमेंट, इसे कहते हैं नोज पीस, ठीक है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेस। देख लीजिए यहाँ पे नीचे कैसे ये लेंसेस दिखते हैं। ओके, इसे कहते हैं स्टेज क्लिप, ठीक है, ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है उसे कहते हैं स्टेज क्लिप, ठीक है। इसे कहते हैं मैकेनिकल स्टेज, जो यहां से हम लोग पकड़ के इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नीचे का है इसे कहते हैं कंडेंसर, और इसे कहते हैं इल्यूमिनेशन, और यहां पे जो इस साइड है इसे कहते हैं लाइट स्विच, जो ब्राइटनेस कम ज्यादा वो भी करता है, ठीक है। देखा, जैसे मैंने आपको ये किया, ब्राइटनेस बढ़ गया, कम गया, ब्राइटनेस कम हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसमें आता है आपका ये कोर्स एडजस्टमेंट, फिर आता है फाइन एडजस्टमेंट, इसे आप कह सकते हो स्टेज कंट्रोल, इससे आप स्टेज आगे पीछे दाएं बाएं आप घुमा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, जस्ट अ सेकेंड, सी यहां पे है अपर्चर, ओके, एंड ये जो नीचे का सरफेस है इसे हम बेस कहते हैं। जैसे कि आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में अभी देखा, ठीक है, अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कैसे होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसके लिए हमें एक लगने वाला है एक स्लाइड, एक कवर स्लिप और वन ऑफ यूरिन ड्रॉप, ठीक है। तो ये मैंने स्लाइड पहले से ही रेडी करके रखी हुई है, अब मैं इसको आपको सेट कैसे होता है वो मैं दिखाता हूँ। कवर स्लिप डाला हुआ है, ठीक है, अभी हम लोग ये माइक्रोस्कोप के ऊपर ये स्लाइड सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेट करना है, फिर आपको बाद में साइड से लाइट ऑन करना है, उसके बाद ये जो आपका 10x का जो लेंस है उसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेट करना है, और आपको ये जो स्टेज एडजस्टमेंट है उसके लेके बराबर सेंटर पे वो लाना है, फिर आपको कोर्स एडजस्टमेंट से आपको वो अपर साइड लेके जाना है। एक बार आप अपर साइड लेके गए, फिर आपको इस लेंस में, ये जो ऊपर का जो लेंस है उसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका इमेज क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखने के लिए हम उसको अच्छे से सेट करेंगे, फिर बाद में उसको फाइन एडजस्टमेंट करेंगे। फाइन एडजस्टमेंट से क्या होता है, आपकी जो इमेज की जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी तरह से दिखती है, इसलिए फाइन एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स कोई भी सेट कर सकता है, पर ये जो फाइन एडजस्टमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा 10x पे ये लेंस सेट है एंड आपकी स्लाइड वहां पे लगी हुई है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये लेंस जो है 40x पे लेके जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है देखो 40x करके, ठीक है। तो आपको वो यहाँ पे सेट करना है, एक बार आपने 40x पे सेट किया, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी इमेज किस तरह से दिख रही है, फिर आपको फील्ड चेंज करना होता है। यहाँ से आप जो स्टेज कंट्रोल है वहाँ से आप फील्ड चेंज करेंगे, स्लोली स्लोली मूवमेंट करोगे, ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है। अगर आपकी इमेज क्वालिटी कम हुई तो आपको वापस से ये जो फाइन एडजस्टमेंट है यहाँ से आपको सेट करना है, ठीक है। धीरे धीरे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। आइए मैं आपको लेंस में दिखाता हूँ आपकी इमेज कैसे दिखती है। तो गाइस, जैसे कि आप ये स्लाइड देख रहे हो, ये हम लोग 10x में स्लाइड देख रहे हैं, ओके। अभी मैं आपको अगली इमेज जो दिखाने वाला हूँ वो हम लोग 40x में देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो 40x में कैसे आपको इमेज दिख रही है, देखा कितना क्लियर इमेज है, इसमें आपको पस सेल्स, इपिथेलियल सेल्स एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं। गाइस,
जैसे कि आपने देखा ये कंफाउंड माइक्रोस्कोप यूज कैसे होता है, इसके पार्ट्स के नेम्स क्या क्या है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको इसको डिसमेटल कैसे करते हैं और इसका मेंटेनेंस कैसे देते हैं उसके रिलेटेड भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।